अपने साथ जुल्म को बर्दाश्त किया लेकिन जो जुल्म अवाम के साथ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ का सियालकोट जलसे में खिताब, कहा जो रोटी मैं 4 रुपए की छोड़कर गया आज 25 रुपए की मिलती है, पेट्रोल 65 रुपए लीटर पर छोड़कर गया आज कितना महंगा हो गया, 50 रुपए किलो वाली चीनी 150 पर पहुंच गई, बिजली महंगी, गैस नापैद हो चुकी, कौम पर इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है, मेरे खिलाफ साजिश करने वालों ने असल में अवाम पर जुल्म किया, लाहौर सियालकोट मोटरवे दोबारा बनाने का ऐलान। एक जमात ने अपना ही वोट का इज्जत का नारा भूल के वही पुरानी सियासत अपनाई है और वो समझते हैं कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। मैं आपसे पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ कि ये इनका गलत फहमी है, ये इनकी गलत फहमी है, इनको ये समझ नहीं आता कि असल में ताकत का सर चश्मा अवाम है। चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने वालों को बता दूं, ये उनकी गलत फहमी है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, वो नफरत की सियासत करके अवाम को गुमराह करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियाकत बाग रावलपिंडी में कारकुनान से खिताब, कहा नफरत की सियासत खत्म करनी है तो तीर पर मोहर लगाएं। नून लीग के कारकुन को बताएं, ये वो नून लीग नहीं, ये वोट की इज्जत नहीं उसकी बेइज्जती करवा रहे हैं, ये शख्स साजिश करके चौथी बार वजीर आजम बन गया तो कोई नहीं मानेगा, आपने सोच समझ कर वोट दिया तो इस गैर जमहूरी साजिश को नाकाम बना देंगे, वोट जाया ना करें, तीर पर मोहर लगाएं। सियासी मेहरबान है वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल के दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई फला कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, ये आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। तीर के ऊपर एक नुक्ता लगाएं, शेर बन जाएगा, शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब, सियालकोट जलसे में खिताब करते हुए कहा, एक मेहरबान अपने जलसों में रोज कहता है नून लीग बाहर नहीं निकल रही, उससे कहता हूं क्या ये जलसा ड्राइंग रूम में हो रहा है, अवाम का जोश खरोश गवाही दे रहा है, 8 फरवरी को मुखालिफीन का जुलूस निकल जाएगा, हर तरफ शेर धाड़ेगा, अवाम के वोटों से नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, मुल्क की तरक्की का पहिया एक बार फिर से चलेगा। यहाँ हॉस्पिटलें होनी चाहिए, यहाँ कॉलेज होने चाहिए, या यूनिवर्सिटीज होने चाहिए, या पानी के फैसिलिटीज होनी चाहिए, या कितने सालों से जब से 18वीं तदबीर मैंने दी है, मेरा ख्याल 15 साल तो उसको हो गए, आपका बजट 4 दफा बढ़ चुका है मगर वो बजट किधर नजर आ रहा है, मुझे तो नजर नहीं आता है। इंशाल्लाह हम बलोचों का हक, आपकी धरती का हक, वो सब आपको दिलाएंगे, आपको दिलवाना जानते भी है। पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ सियासी कुव्वतें ही हल कर सकती हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी लड़ाई की बात नहीं की। आसिफ जरदारी का हब में जलसे से खिताब, बोले हब का बजट यहाँ नजर नहीं आता, शायद दोस्तों की जेबों में नजर आता है, यहाँ पर एक बेहतरीन अस्पताल होना चाहिए। जो शख्स आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स देता है, डंडे देता है, वो आपका हमदर्द है या नहीं? वो आपका हमदर्द नहीं। आज वो बच्चे जिनको वरगलाया था कि 8 फरवरी को चाहे आपको अपने मुकाबले में कोई नजर आए या ना नजर आए, कोई मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ का वोटर घर ना बैठे। जो आपको पेट्रोल बम और डंडे देता है वो आपका वफादार नहीं, मरियम नवाज का सियालकोट जलसे से खिताब, कहा नौजवानों को रोजगार देंगे, 8 फरवरी को नवाज शरीफ का कोई वोटर घर ना बैठे, ये वोट की पर्ची नहीं मुल्क की तकदीर है। आसा भुट्टो कराची के सियासी महाज पर सरगर्म, रैली की शक्ल में शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे,
जगह जगह जालों का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पतियां निछावर। आसफा भुट्टो ने खिताब में कहा, बेनजीर भुट्टो गरीब आवाम की आवाज थी, आपके हकूक के लिए लड़ते रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुफ्त इलाज के अस्पताल बनाए, वादा करते हैं गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे, आपको मालिकाना हकूक पर घर देंगे। हम जीते तो अवाम अपने वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त करेंगे। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई इक्तदार में आई तो सेहत कार्ड के साथ और भी सहूलतें फराहम करेंगे। नौजवानों की तालीम और कारोबार के मौके अव्वलीन तरजीह होंगे। जीडीपी का 3% सोशल सेक्टर पर लगाएंगे। तमाम मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात बनाएंगे। हरा भरा पाकिस्तान हमारा नारा होगा। इक्तदार मिला तो पार्लियामानी निजाम में इस्लाहात लाएंगे। इस्लाम सबसे पहले अमन की बात करता है, इंसानी हुकूक के तहफ्फुज़ की बात करता है। कब हकीकत को समझेंगे, कब इस बात को समझेंगे कि हम फैसले गलत कर रहे हैं और बार बार गलत कर रहे हैं। जमहूरी सियासत में तमाम जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाली जाती है, लेकिन 8 फरवरी तक आने वाले दिन आवाम की जिम्मेदारियों के हैं। मौलाना फजल रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा, हम कब इस बात को समझेंगे, हम गलत फैसले कर रहे हैं। मुल्क में अमनो अमान है ना रोजगार, मईशत का अच्छा हाल नहीं, मुल्क में डाकू ताकतवर और पुलिस कमजोर है, कहीं अक्सरियत पसंदी, कहीं डाके तो कहीं अगवाकारी है, पाकिस्तान बनाने का मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ। यहाँ पाकिस्तान की आवाम को तहफ्फुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हुआ है, इसलिए हमने 3 आइन में तरमीम, अब तक 18-20 तरमीमें हो चुकी है ना, 3 और तरमीम की हम डिमांड रख रहे हैं। पाकिस्तान का आइन में तरमीम की जाए, हुक्मरान तबके को तहफ्फुज़ देता है। इसी तरह यह आइन कौमी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ दही शहरी और जिलाई हुकूमतों को भी तहफ्फुज़ दे। इंतखाबात के बाद कोई हुकूमत एमक्यूएम के बगैर नहीं बन पाएगी। कन्वीनियर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में तकरीब से खिताब, कहा, इस बार किसी को हमारी जरूरत पड़ी तो जमहूरियत की खातिर वोट देंगे, हुकूमत का हिस्सा बने तो आइन में 3 तरामीम का मुतालबा करेंगे। कराची 3 तलवार चौक में पीटीआई कारकुनान और पुलिस में झड़पें, पथराव से एसएचओ बोर्ड बेसन समेत कई अहलकार जख्मी, पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग और हवाई फायरिंग, मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया, कवरेज से रोकते हुए सुरो न्यूज के कैमरामैन से कैमरा छीन लिया। आम इंतखाबात 2024 सिर्फ 11 रोज की दूरी पर, अदालती फैसलों के बाद कौमी और सूबाई असेंबलियों के 5 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू। परवेज इलाही, ताहिर सादिक, सनम जावेद, शौकत बसरा और उमर असलम के हलके शामिल। वोटर्स की सहूलत के लिए एसएमएस सर्विस आज से शुरू। शहरी 8300 पर मैसेज करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर लाहौर से 77 मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। कराची में हर पार्टी की इंतखाबी मुहिम परचम गली के बगैर नामुकम्मल। पार्टी झंडे, टोपियां, बैजेस सब यहीं बनते हैं। कारकुन कहते हैं सामान 50% महंगा हो चुका। ताजिर कहते हैं ऑर्डर तो मिल रहे हैं लेकिन कारोबार पहले जैसा नहीं। पिछली मरतबा 50% जो है डिफरेंस आ रहा है फ्लैग्स और उसमें पेनाफ्लेक्स वगैरह में। रेट तो भरे हैं इनके, जाहिर बात है हर चीज़ के ऊपर महंगाई आई, इसी वजह से तो इलेक्शन था कि यार नेक्स्ट कोई अच्छा बंदा है ताकि मामला जो ना अच्छे रहे। वादी कैलाश में पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने सहर कर दिया। बमूरियत में शदीद सर्द मौसम में भी इंतखाबी मुहिम जारी। खुले आसमान तले खड़े वोटर्स उम्मीदवारों से रोशन मुस्तकबिल की यकीन दहानियां सुनते रहे। तवील खुश्क साली के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कालाम, चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान और गलियात में बर्फबारी। सवात, पारा चनार और वादी तेरा में सफेद मोतियों की बरसात। शांगला टॉप में भी बर्फ की चादर ओढ़ ली।
मुजफ्फराबाद, लीपा और वादी नीलम आजाद कश्मीर में रिमझिम, पहाड़ों पर बर्फबारी। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। पंजाब और बलूचिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब में चार फार्मास्यूटिकल कंपनियों के 9 सीरप गैर मयारी करार। महकमे सेहत पंजाब ने पाबंदी लगा दी। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के मुताबिक सीरप की तैयारी में गैर मयारी एथेनॉल का इस्तेमाल पाया गया। एलरफीन, जियोडोल, टेक्सॉल डीएम और वेरोल शामिल। टोरिक, एस्तानेल और ब्रोनेल भी बैन कर दिया गया। IMF का पाकिस्तान पर मजीद समाजी प्रोग्राम चलाने पर जोर। कहा गया पाकिस्तान को कमजोर तबके के तहफ्फुज़ के लिए इकदामात करने चाहिए। महफूज बिजली और गैस टैरिफ स्लैब जारी रहना चाहिए। सितंबर में सेहत और तालीम के अखराजात का हदफ पूरा किया गया। निगरान हुकूमत महदूद सलाहियत के बायस दिसंबर का हदफ हासिल नहीं कर सकी। बेनजीर इनकम सपोर्ट के इंतजामी ढांचे को भी मजीद बेहतर किया जाना चाहिए। ईरान में अपने प्यारों के कत्ल पर मुजफ्फरगढ़ और लोधरा की फसा सोगवार। मुतासरा खानदान गम से निढाल। कहा हुकूमती सतह पर कोई राबता नहीं किया गया। हुकूमत से मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने की अपील। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी ने वाकया पाक ईरान ताल्लुकात के खिलाफ साजिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा पाकिस्तानी मजदूरों के कत्ल पर दिल मखमूम। दुश्मन जलती पर तेल डालने में सरगर्म है। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम और मुतासरा खानदानों से दिली ताजियत का इजहार करता हूं। डिफेंस फेस 6 में कम उम्र ड्राइवर के हाथों 6 अफराद की हलाकत का केस। मुदई मुकदमा कहते हैं कि किसी से कोई पैसा लिया है ना लूंगा। पुलिस और अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। मुलजिम पार्टी ने मिलने की कोशिश की लेकिन मैंने मुलाकात से इनकार कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली कराची में मैराथन रेस का इनेकाद। फुल कैटेगरी में आमिर सुहेल फाते करा। इस बार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की फुल मैराथन में महनूर की पहली पोजीशन। इस्लामाबाद में भी मैराथन रेस हुई। मुल्की और गैर मुल्कियों ने भरपूर शिरकत की। और जो भी लिखा रूह में उतर गया। 4 मुजफ्फर वारसी को बिछड़े 13 बरस बीत गए। अपना लिखा नातिया कलाम मखसूस अंदाज में पढ़कर आलमगीर शोहरत पाई। अदबी खदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।